टेक दिग्गज मेटा 2024 में दुनिया भर में चुनावों के लिए कमर कस रहा है। उसने चुनावों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की योजना भी बनाई है, क्योंकि वैश्विक लोकतंत्र इस साल मतदान करने के लिए तैयार है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, इन देशों में से एक है। और मेटा चुनाव से पहले डीप फेक और गलत सूचनाओं जैसी महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन का ऐलान किया है, जिसे देश के मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। हेल्पलाइन विशेष रूप से उस मीडिया का आकलन करने के लिए काम करेगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पैदा किया गया है, जिसे हम डीप फेक के रूप में जानते हैं। लोग अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध व्हाट्सएप चैटबॉट पर डीप फेक को पहचानने में सक्षम होंगे। एमसीए ऐसी सामग्री की पहचान और सत्यापन करने के लिए अपनी डीप फेक एनालिसिस यूनिट, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स, अनुसंधान संगठनों और इंडस्ट्री पार्टनर्स के एक नेटवर्क के साथ काम करेगा, जिससे गलत सूचनाएं आगे जाने में रोकी जा सकेंगी। ये हेल्पलाइन मार्च से शुरू होगी। बताया जाता है कि भारत में व्हाट्सएप पर 535.8 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो इसे दुनिया भर में सबसे अधिक यूजर्स वाला देश बनाता है। मेटा का कहना है कि गलत सूचना का पता लगाने, रोकने और रिपोर्ट करने पर केंद्रित है, लेकिन साथ ही डीप फेक के बढ़ते प्रचार प्रसार पर भी जागरूकता जगाई जा रही है। भारत में मेटा में सार्वजनिक नीति के निदेशक शिवनाथ ठुकराल कहते हैं, एआई जनित गलत सूचना से निपटने के लिए पूरे उद्योग में ठोस और सहकारी उपायों की जरूरत है। एमसीए के अध्यक्ष भरत गुप्ता कहते हैं कि डीप फेक एनालिसिस यूनिट यानी डीएयू भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट यूजर्स के बीच एआई सक्षम दुष्प्रचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण और समय पर हस्तक्षेप के रूप में काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह आगामी चुनावों के लिए खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है, और भारत भी इससे अलग नहीं है। एक रिसर्च में बताया गया कि 2024 के चुनावों में एआई गतिविधि एक खतरा है, जो 50 से अधिक देशों में आने वाले चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। जब भारतीय राजनीति की बात आती है तो एआई जनित सामग्री कुछ हद तक एक महामारी बन गई है। एक हालिया जांच में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस साल चुनाव जीतने के लिए तैयार है, और कांग्रेस प्रमुख विपक्ष पार्टी को डीप फेक द्वारा लक्षित किया गया है, जो मुख्य रूप से व्हाट्सएप पर प्रसारित होते हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का उपयोग स्वयं पार्टी सदस्यों द्वारा किया गया है। 2020 में एक प्रमुख भाजपा संसद सदस्य ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में अभियान वीडियो बनाने के लिए डीप फेक तकनीक का उपयोग किया था। भारत में डीप फेक पहले से ही राजनीतिक गतिविधियों में घुसपैठ कर चुका है, और देश में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा घोषित किया है। भारत में वर्तमान में डीप फेक को स्पष्ट रूप से संबोधित करने या परिभाषित करने वाले कानून नहीं है, लेकिन हानिकारक सामग्री के प्रसार को सीमित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए किसी भी डीप फेक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हम स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार, गलत सूचना का उपयोग करने, डीप फेक का उपयोग करके हमारे लोकतंत्र में समस्याएं पैदा करने वाले सीमा पार अभिनेताओं के प्रभाव के बारे में भी काफी चिंतित हैं। हम ज्यादातर देशों की तुलना से पहले से ही इसके प्रति सतर्क रहे हैं, क्योंकि छोटे देशों की तुलना में इसका हम पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं भी इन चिंताओं का हवाला देते हुए वैश्विक नेताओं से नवंबर 2023 में एआई को विनियमित करने का आह्वान किया है। हालांकि उनके आलोचकों ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनेता भारतीय मतदाताओं से जुड़ने, एक स्पष्ट डिजिटल ब्रांड बनाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समर्थकों को जुटाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हैं।